अब मैं दूसरा नाम अनाउंस कर रही हूँ, मिसेज अर्चना भार्गव अजमेर। मिसेज अर्चना भार्गव अजमेर ये नहीं है। तो डॉक्टर रंजन लता, नहीं नहीं ये तो वो नीचे का। आइए रंजन जी। ओम याम मेधाम देव गणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेघयाग्ने मेधाविनम कुरुस्वः। मंच पर आसीन अध्यक्षता कर रहे माननीय विद्वजन, अन्य मंचासीन विद्वजन और सुधीजनों, मेरा नाम डॉक्टर रंजन लता, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। मेरे शोध विषय का टॉपिक है शुक्ल यजुर्वेदी दयानंद भाष्य और तथा अन्य वैदिक संगीताओं में शिल्पकला। हम सब जानते हैं कि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति जो है या उसका प्रकाशन करना ही कला कहलाता है। कलात्मक अभिव्यक्ति में जो विकसित शिल्प है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए संभवतः हम देखते हैं कि प्राचीन काल में शिल्प और कला दोनों एक पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या इन दोनों का पर्याय के रूप में उल्लेख मिलता है। अब जब हम बात करते हैं शिल्प और कला की, तो कला तो हम सब जानते हैं, जैसा कि अभी सुबह भी चर्चा होती आई है। हम शिल्प पर विचार करते हैं कि शिल्प जो है, और इसके लिए सबसे पहले हमारा पाणिनीय अष्टाध्यायी या धातु पाठ का ही हमें शरण लेनी पड़ती है। तो धातु पाठ में भट्टोजी दीक्षित ने चुरादिगण की धातु है शील उपधरणे, उससे शिल्प शब्द की उत्पत्ति मानी है। और उपधरण का अर्थ होता है अभ्यास। तो आवृत्ति या अभ्यास से जिस भाव का प्रकटीकरण होता है उसे ही शिल्प कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वाचस्पत्यम में शिल्पिन शब्द का शिल्पम चित्रादि कलाम करोति इति ऐसा करके अर्थ किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शिल्प कला को दस्तकारी का कौशल बताया गया है। इसके साथ ही आपटे कोश है, उसमें शिल धन पक इस तरह करते हुए कला, ललित कला, यांत्रिक कला, इन सबको शिल्प का नाम दिया गया है। अमरकोश में भी चित्रादि कलादि कर्मसु अमरः इस तरह करके चित्रादि कलाओं को भी शिल्प शब्द से अभिहित किया गया है। जैसा कि अभी पहले भी चर्चा हुई कि शिल्प और कला इन दोनों को प्राचीन काल में पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, तो इनके बारे में भी हम और थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि शिल्प को या शिल्प कला को या कला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए शुक्र नीति और कामसूत्र, जैसा कि अभी मैम ने भी उल्लेख किया था कि वात्स्यायनकृत कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं 72 और कहीं कहीं 86 कलाओं का भी उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में सैन्य शिक्षा और सैन्य निरीक्षण को भी शिल्प शब्द से अभिहित किया गया है। क्षेमेंद्र का कला विलास नाम का ग्रंथ है जिसमें 62 जनोपयोगी कलाओं का वर्णन है, 32 पुरुषार्थ संबंधी कलाओं का वर्णन है, 32 मार्स संबंधी कलाओं का वर्णन है। 64 कलाएं ऐसी बताई गई हैं जो सोनारों के सोने को चुराने की कला हो, उसको भी शिल्प शब्द से कहा है कहीं। और 10 चिकित्सकों की कलाएं बताई गई हैं और गणकों के भी 104 प्रकार बताए गए हैं। इसी के साथ में जब हम इसके दृष्टि में डालते हैं, यूरोप की तरफ बढ़ते हैं, तो यूनान में इसके लिए टेक्ने शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसके आधार पर आगे चल के शायद टेक्निक शब्द विकसित हुआ लगता है। और इसके साथ साथ प्राचीन लैटिन में इसके लिए आर्स शब्द का प्रयोग मिलता है, और आर्स शब्द से संभवतः इंग्लिश का जो आर्ट शब्द है, भाषा वैज्ञानिक अधिक अच्छे से बता पाएंगे कि वो विकसित हुआ है। अब हम कला को अगर बांटे दो भागों में, जैसा कि यूरोप में भी 18वीं शताब्दी में जो इसका निर्णय हुआ उसके आधार पर उन्होंने 3 प्रकार से कलाओं का विभाजन किया है। पहला तो उन्होंने सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति करने वाली कलाओं को रखा है, जिसको फाइन आर्ट्स के नाम से जाना गया। दूसरा नैतिक आचरण संबंधी जो कलाएं थी उसको आर्ट ऑफ कंडक्ट कहा गया, और तीसरा जो विवरण था उसको इन्होंने लिबरल आर्ट अर्थात उदार कलाओं के रूप में वर्णित किया है। संभवतः जो हमारी शिल्प कला है ये तीसरी वाली कला के अंतर्गत रखा जा सकता है। हमारे भारतीय साहित्य में या वैदिक साहित्य से लेकर बाद में जो साहित्य चला है उसमें हम कला को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो देव शिल्प और दूसरा मानव शिल्प। देव शिल्प के अंतर्गत हम इस संपूर्ण सृष्टि की कला को मानते हैं।
ये संपूर्ण सृष्टि भी एक कलात्मक ढंग से सृष्टि प्रक्रिया के तहत जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है वो एक अत्यंत कार्य कुशल ढंग से बड़ी व्यवस्थित ढंग से परिचित लगता है। और आदि अगर शिल्पकार माने तो इस संसार का विश्वकर्मा जिसको ब्रह्मा कहा जाता है उसे हम आदि शिल्पी मान सकते हैं। और सबसे मुख्य जो उसकी सृष्टि है, सबसे मुख्य उसका जो शिल्पकार का नमूना है, वो हम इस पंच भौतिक सृष्टि को मान सकते हैं जिसमें पंचभूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद हम जो दूसरा मानव शिल्प है, जो मानव के द्वारा रचित है, इसको भी पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो कारु शिल्प और दूसरा चारु शिल्प। इसमें जो चारु शिल्प है वो किसी भी कलाओं के जो सौंदर्य परक रूप है उसको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत नृत्य कला, वादन कला, गायन कला और चित्र आदि कला को रख सकते हैं। दूसरा जो कारु शिल्प है उसके अंतर्गत काष्ठ शिल्प, स्थापत्य शिल्प, तक्षा कर्म, नापित कर्म, कुलाल कर्म, तंतुवाय कर्म, मूर्ति शिल्प, खगोल शिल्प, वास्तु शिल्प, स्तूप शिल्प, इस तरह बहुत सारे जो शिल्प के प्रकार हैं उनको संभवतः रखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ अभूतपूर्व अवयव सन्निवेश देश काल परिस्थिति के अनुसार भी दो प्रकार के तक्षाओं का अगर विवरण मिलता है तो एक कीज तक्षा और एक ग्राम तक्षा के रूप में भी विवरण मिलता है, जिसमें कीट तक्षा उनको कहते थे जो तक्षक जगह जगह जाकर अपना कर्म संपादित करते थे, वो कीट तक्षा के नाम से जाने जाते थे। और कुछ तक्षक जो अपने एक स्थान पर रहते हुए अपना कर्म संपादित करते थे उन्हें ग्राम तक्षा कहा गया। अब चूंकि टॉपिक जो है वेदों से लेकर के शिल्प कला को लेकर चलना है, तो हम वैदिक साहित्य में अगर इनके इससे संबंधित शब्दों को ढूंढते हैं तो हम पाते हैं हिरण्य स्तूप, चशाल युक्त स्तूप, यज्ञ स्तंभ, यूप व्रस्क जिसको कुल्हाड़ी भी कहते हैं, तांबे के औजार जिनके लिए आयसी और वाशी शब्द मिलता है, और कुछ वनस्पतियों से भारी भारी प्रासादों का निर्माण मिलता है जिनके नाम है शतवर्ष या सहस्त्रवर्ष। इसमें आप देखते हैं कि जो चैत्य ग्रहों का वर्णन मिलता है या गुहाओं में जो ये चैत्य ग्रहों में जो शिल्प मिलता है वो काष्ठ शिल्प का बहुत उत्तम नमूना है। इसके साथ में हम अगर बात करें कि अन्य अर्थशास्त्र में भी सैन्य शिक्षा के संबंध में बहुत अधिक इसका वर्णन मिलता है। कौशिक की ब्राह्मण पर आते हैं तो 29.5 और 5.3 में नृत्य और गीत को शिल्प कहा गया है। इसके साथ में भरतकृत नाट्य शास्त्र में हम संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वो आनंद प्राप्ति, जैसा कि कला का चरम उद्देश्य तो आनंद प्राप्ति है ही, ये बताते हैं। साथ में ये कहते हैं न स विद्या न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला, अर्थात जिसमें आनंद प्राप्ति ही ना हो या हमारा जो परिणति उस आनंद प्राप्ति में ना हो तो उसे कला नहीं कहते। भरतकृत नाट्य शास्त्र में शिल्प और कला दो अलग अलग पृथक रूप से प्रयोग किए गए हैं, लेकिन उनकी पृथकता का कारण स्पष्ट नहीं है। काशी इसके साथ में पाणिनीय अष्टाध्याय में हम देखते हैं तो 3.1.146 शिल्पिनी शून करके सूत्र मिलता है, 3.2.55 पर पाणिंग ताड़घव शिल्पिनी शब्द सूत्र मिलता है, 4.4.55 पर शिल्पम, 4.4.56 पर मड्डुक झरझराण अन्य तरस्याम, इस तरह करके सूत्र मिलता है। और भी कई सारे सूत्रों के उदाहरण दिए हैं जो पाणिनीय अष्टाध्याय में शिल्प से संबंधित बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। बौद्ध साहित्य को देखा जाए तो शिल्प में जातक कथाओं के 500 बढ़ई ग्रामों की सूचना मिलती है जो काष्ठ शिल्प का बहुत उत्तम उदाहरण है। मृच्छकटिकम में 3.15 पर शिल्प शब्द का उल्लेख किया गया है, मालविकाग्निमित्रम में भी 1.6 पर इसका उल्लेख किया गया है, सॉरी एक निरुक्त का उदाहरण छूट गया। अब हम ऋग्वेद से अगर शुरुआत करते हैं, ऋग्वेद में शिल्प कला का उदाहरण देखें तो एक मंत्र आता है ऋग्वेद का अध्याय 1:8 वर्ग 8 मंत्र 3 और 4, यहाँ पर मंत्र में कहा गया है कि सुखदायक सवारियों को बनाकर उनका उपभोग कैसे करना है, तो कहते हैं मात्र लकड़ी की नहीं वरन सोने चांदी तांबा पीतल लोहा आदि इन सबसे मिलकर के नौका बनाने की बात कही गई है, जिनको चलाने के लिए अग्नि वायु जल आदि का यथावत प्रयोग करके द्रव्यादि की उन्नति की जा सकती है। निरुक्त का उदाहरण भी इसी तथ्य को पुष्ट करता है, अथातो द्यु स्थानात देवता साम अश्विनौ प्रथमा गामिनौ भवतो अश्विनौ यद वैष्णु आते सर्वम रसे नान्यो ज्योतिषा अश्वैर अश्विना इति और्णवाभः। यहाँ निरुक्तकार यास्क भी वायु अग्नि जो धनंजय रूप से सब पदार्थों में जल व अग्नि जो ज्योति व रस से युक्त है उसके संबंध में कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेदीय दयानंद भाष्य में अगर हम देखें तो
हम जा देखते हैं, एक मंत्र आता है शिल्प विद्या विद्या व सृष्टि के दृष्टांत से बहुत विशेष रूप से उसमें प्रेरणा मिलती है, जैसे है तपसे कौलालम मायायै कर्मारम रूपाय मणिकारम शुभे वप शरव्याय इशुकारम हेत्यै धनुष्कारम कर्मणे ज्याकारम दिष्टाय रज्जु सर्जम मृत्यये मृत्यवे मृग युमंतकाय श्वनिनम। यहाँ बर्तन में ताप झेलने के लिए कुम्हार पुत्र को, बुद्धि वृद्धि के लिए उत्तम कार्यकर्ता को, सुंदर स्वरूप बनाने के लिए मणिकर्ता को, शुभाचरण के लिए किसान तुल्य विद्यावपन कर्ता को, आदि आदि बहुत सारी विशेषताएं वर्णित की गई हूँ। बस दो मिनट मैम। इस प्रकार और भी शुक्ल यजुर्वेदीय दयानंद भाष्य के मैंने उदाहरण इसमें उद्धृत किए हैं, जिसमें मेधायै रथकारम धैर्याय तक्षाणम का अर्थ करते हैं कि बुद्धि के लिए विमान आदि के रचयिता शिल्पियों की सहायता से लेने की तथा उन्हें पास में रखने की बात की गई है। धीरज के लिए महीन काम करने वाले बढ़ई को उत्पन्न करने की बात की गई है। अन्य अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अंततः हम अपना उपसंहार केवल पढ़ रहे हैं आपके सामने कि ये सत्य है। इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेद व यजुर्वेद में विभिन्न शिल्प रूपों में शिल्प कला का बीजक है। जिन लोगों ने इनके अर्थ गांभीर्य को जाना है, समझा है, हृदयंगम किया है, उन्होंने एक नई खोज कर डाली है। पाश्चात्य जगत में भी हम देखते हैं कि इस तरह की बहुत एक आकांक्षा रहती है कि वो अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, लगता है कि बस कुछ करना है, उसके आगे वो कुछ नहीं देते हैं, तो हम हमारे लिए वो भी स्तुत्य है। लेकिन आज आवश्यकता इस प्रकार की है, इस बात की है कि हम केवल किसी का मुख मत ताकें, किसी की ओर निराश हो, मतलब किसी की ओर ना देखें, बल्कि हमारे अंदर हमारे पास वो सब संपत्ति है, हम उसको ध्यान रखें और अपने अपने जुनून को पैदा करें और अपने जो भी वस्तुतः शिल्प जो है उस परमात्मा की शिल्पकारी का अद्भुत संरचना है। शिल्प प्रखर और अपनी निजी विशेषता से युक्त है, यही विशेषता वस्तु का शिल्प है। शिल्प शिव है, शब्द जहाँ शक्ति से मिलता है अर्थात जीवन की क्रियाओं से जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको शिल्प कहा जाता है। किसी भी कार्य में क्रिया में कुशलता को शिल्प कहते हैं, जिसे प्राप्त कर न केवल सचेतन सुखी होता है अपितु जड़ भी सुखी होता है। सार रूप में कह सकते हैं कि दृश्य अदृश्य जगत की समस्त क्रियाओं के अनुष्ठान की प्रक्रिया शिल्प है। संसार का प्रत्येक कर्तृत्व, चाहे वो ईश्वर का हो, ब्रह्मा हो, रुद्र हो, शक्ति हो, साक्षात विश्वकर्मा हो या योगी हो, वस्तुतः वह शिल्पी ही होगा। अपनी परिस्थिति के अनुसार देश काल परिस्थिति की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर जागतिक क्रियाओं से विशिष्ट कुशलता का स्वरूप दिग्दर्शन अर्थात प्रावीण्यन का स्वरूप ही शिल्प है। धन्यवाद। शिल्प पे आपने बहुत सुंदर विचार रखे हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनुभा जैन, डॉक्टर अनुभा जैन। जो लोग पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं वो हमें एक हार्ड कॉपी देने। I am Dr. Anubha Jain, and first of all, before starting my paper, I am very much thankful to the organizers to provide me a golden opportunity to present my views here on the topic Vedic Evam Jain Chitrakala Ek Parichay. तो शुरू करते हैं भारत की चित्रकला की कहानी भारतीय कला के रूप में। सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगी कला का प्रारूप। भारतीय सभ्यता का जैसे जैसे उदय हुआ उसके साथ ही मानव को जीने के लिए बहुत सारी तरीके अपनाने पड़े और उसी को किसी न किसी रूप में कला माना गया। वैदिकालीन ऋषि किसी भी विषय या कृत्य में निहित दक्षता को कला के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानव अपने विशेष गुणों के कार्य व कार्य के द्वारा ही स्वयं को अभिव्यक्त करता है, विचारों को प्रकट करता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है और वही कार्य उसकी कला कहलाती है।
कला के प्रकार के रूप में जहाँ तक मुझे पढ़ने को मिला है, चिप्स ऑफ वैदिक आर्ट से मैंने ये लिया है कि कला दो प्रकार की है, मूल कला और उपाय की कला। यहाँ पर हम मूल कला को छोड़ते हुए उपाय की कला के बारे में अगर बात करें तो उपाय की कला 5 भागों में विभक्त है, वास्तुकला, संगीत एवं नृत्य, काव्य एवं साहित्य, शिल्पकला और चित्रकारी। यहाँ पर भी हम बाकी सारी कलाओं को छोड़कर चित्रकारी, चित्रकला के बारे में बात करेंगे। कला शब्द का प्रयोग, ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग मिलता है, ये रेफरेंस है 8.47.17 से, यथा कला यथा शपम तथा कला। यजुर्वेद के 30वें अध्याय की 64 कलाओं का वर्णन है, वहां पर 30वें अध्याय में 4 मंत्र से लेकर 22 मंत्र तक सभी कला और कलाकार उनको जानने वालों का वर्णन है। और इसी वेद में अन्य स्थल पर 15वें अध्याय में 3रा जो सूक्त है वहां पर भी 16 कलाओं का उल्लेख है। उपनिषदों में भी कला शब्द का प्रयोग हुआ है। कला का जो वर्तमान अर्थ है इस अर्थ में भी कला शब्द का प्रयोग हुआ है। कला का द्योतक शब्द भरत से पूर्व शिल्प शब्द था, जैसा कि अभी मेरे से पहले मैम ने बताया। संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में शिल्प शब्द कला के अर्थ में व्यवहित होता रहा है। कला शब्द का अर्थ कौशिक की ब्राह्मण में 29.5 पर नृत्य और गीत को शिल्प माना गया है। पाणिनि ने शिल्प शब्द का प्रयोग उपयोगी और ललित दोनों प्रकार की कलाओं के लिए किया है। निरुक्त में 2.26 पर कला शब्द व्यवहार की सब कलाओं और उपकलाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसी भी काम को जब सुव्यवस्थित एवं सूक्ष्म प्रकार से किया जाता है, बहुत करीने से, जैसे हम किचन में भी जाते हैं, रसोई में भी जाते हैं, तो हम कहते हैं बहुत सारे बर्तन निकलो, बड़े अच्छे से खाना पकाओ, कहीं पर आपका कोई अंग जले ना, तो वो भी एक प्रकार की पाचन कला है। तो जब किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित एवं सूक्ष्म प्रकार से किया जाता है वही प्रकार कला कहलाता है। कला आदि भौतिक और आध्यात्मिक विचारों का मिश्रण है। कलाओं की संख्या के बारे में जब मैंने पढ़ा, पहले तो मैं मुझे यही लगता था कि सिर्फ 64 ही कलाएं हैं मैम, लेकिन जब मैंने कलाओं की संख्या के बारे में जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारे ग्रंथ सामने आए और जिसमें अलग 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 कलाएं हैं। जैसे अभी बताया उन्होंने, वामन शिवराम आप्टे के अनुसार पृष्ठ, उसकी जो संस्कृत कोश है उसमें पृष्ठ संख्या 256 है। प्रयोगात्मक कलाएं 64 हैं जिनमें शिल्प एवं ललित कलाएं समाविष्ट हैं। वात्स्यायन का हम सभी जानते ही हैं कि 64 कलाओं का वहां पर उल्लेख किया गया है। वहां पर भी गीतम वाद्यम करके आलेख्यम जो चित्रकारी है वो 4थे नंबर पर है। वात्स्यायन ने इन कलाओं को कामसूत्र की अंग विद्या के रूप में स्वीकार किया है और वो कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले हमें इन सभी कलाओं के विषय में अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। उसके बाद आगे, अगर मैं इसको आगे की तरफ करूं, आगे से पढ़ूं, तो कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने कलाओं के नामों की अपनी एक अलग सूची दी है। इन मूल 64 कलाओं के 518 भेद उपभेद होते हैं। मूल कलाओं का वर्गीकरण करते हुए शीतारी 24, कर्माश्रय आदि आदि आपके सामने उपस्थित है। ललित विस्तर में पुरुष कला के रूप में 86 और काम कला के रूप में 64, लेकिन वहां पर वात्स्यायन की कला सूची के नामों से भिन्न है, जैसे अश्रुण वेदित, मर्म वेदित इस नाम से वहां पर आए हैं। प्रबंध कोश में कलाओं की संख्या 72 है और समवायम सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है कि कला सूची में कहीं कहीं अनेक कलाओं के नाम पाए जाते हैं। अगर उनको हम पृथक पृथक रूप से गिनते हैं तो वहां पर लगभग 86 और कहीं कहीं 86 से अधिक भी इनकी संख्या हो जाती है। भरत के नाट्य शास्त्र से पूर्व कला शब्द का जो अर्थ था वो ललित कला में प्रयुक्त नहीं हुआ था। उसके बाद शिवेंद्र की रचित कला विलास के कलाओं की सर्वाधिक संख्या मिलती है। इसमें 64 लोकोपयोगी में तो ये हैं, 72 धर्मर्थ की हैं और 72 मात्सर्य की हैं। उसके आगे जो मिलती हैं वो 64 कलाएं मेरे से पहले वक्ता ने बताया ही है, सोनारों को सोना चुराने की, 64 कलाएं विश्याओं की, 10 भेषज कलाएं, 16 कलाएं कायस्थों की, और इसके भी अतिरिक्त वो यहीं पर नहीं रुकते, उससे भी आगे गणकों की कलाएं और 100 सार कलाओं का वर्णन है। ये मुझे यहीं पर देखने को मिला है, सार कलाओं के बारे में मुझे और कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। इसके बाद जब आगे की तरफ चलते हैं, जैन साहित्य में कलाएं, जैसे कि मेरे विषय का वक्तव्य का विषय ही है कि वैदिक और जैन चित्रकला के बारे में, तो जैन साहित्य में कलाएं, मैम ये मैंने जब मैं कलाओं के बारे में ये पढ़ रही थी, लिख रही थी, तो मैं राजस्थान गई और राजस्थान में वहाँ के मंदिरों में जैन मंदिर, जैन स्तूप, जैन आधार स्तंभ में वहाँ से मैंने खुद फोटोग्राफ खींची है
और वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जैन साहित्य में अनेक स्थलों पर 72 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होते हैं। 72 कलाओं की एक सूची औपपत्तिक सूत्र है जैन ग्रंथ, वहां पर भी मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कलाएं आती हैं। कलाओं का महत्व आचार्य शंकर के मत में सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या वही है जिसका प्रयोजन मोक्ष के लिए हो। कला मात्र इतना ही नहीं है कि हम धन उपार्जन करते हैं, कला से मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि वात्सायन के काम सूत्र का प्रयोजन, जिसको आज अगर हम किसी आज के युवा छात्रों के सामने रखते हैं तो काम सूत्र के नाम से ही उनके मन में न जाने कैसी कैसी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको एक बड़े पवित्र और पावन ग्रंथ के रूप में देखते हैं। काम सूत्र का प्रयोजन अंत में मोक्ष प्राप्त करना ही है, जो अंत का इसका अध्याय आता है। कहा जा सकता है कि कामसूत्र की अंग भूत विद्याएं मोक्ष के साधन है। ये रेफरेंस मुझे मिला है 1.3.1.3.22 में। कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने मात्र से ही सौभाग्य जागरूकता है, वहां पर वात्स्यायन कहते हैं। भर्तृहरि ने भी कला विहीन मनुष्य के पशु के समान तुलना की है। उसके बाद हम शुरू करते हैं चित्रकला का इतिहास। भीम बेटका के शैल चित्रों का संक्षिप्त परिचय के साथ, भारत में चित्रकला का इतिहास मध्य प्रदेश की भीम बेटका गुफाओं के प्रागय इतिहास काल की चट्टानों पर बने पशुओं के रेखांकन और चित्रांकन से प्रारंभ होता है। ये मैम अगर हम ध्यान से देखें तो बिल्कुल बहुत एक महीन झिल्ली से बनी हुई है, जहाँ पर पशुओं के चित्रों का वर्णन है। यह गुफा चलचित्रों द्वारा सुसज्जित है। इन शैल चित्रों के विषय मुख्यतः सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, पशु पक्षी, युद्धादि है। ये चित्र प्राचीन कालीन मानव का जीवन दर्शाते हैं। भीम बेटका से ही अगर हम 5 किलोमीटर और उत्तर की तरफ चलते हैं तो वहाँ उसकी दूरी पर एक पिंगवान जगह है, वहाँ पर 35 कम से कम शैलाश्रम पाए जाते हैं, जो बहुत अधिक दुर्लभ है। और एक जगह मुझे पढ़ने के लिए मिला कि इनकी प्राचीनता लगभग 10,000 से 35,000 वर्ष पूर्व है। इनकी प्रामाणिकता कहाँ तक सिद्ध होती है, इसके विषय में कोई भी प्रमाण नहीं है। उसके बाद चित्रकला का स्थान। 10वीं शताब्दी में एक अपभ्रंश काव्य है, जैन काव्य है ये, पुष्प दंत कृत नाग कुमार चरित, उसके 3.1 पर वहां पर अनेक कलाओं का वर्णन है, लेकिन चित्र लेखन वहां पर 31वें स्थान पर है। और वात्सायन का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वहां पर चित्रकला का चतुर्थ स्थान है। उसके बाद जो चित्रकला का रूप हमें देखने को मिलता है, वैसे तो अगर देखा जाए हम ऋग्वेद यजुर्वेद जो भी वेद पढ़ते हैं या वेदांग साहित्य जो भी हम पढ़ते हैं, उसमें ऋषि ने जो नेचर, चाहे वो उषा का वर्णन है, चाहे वो सूर्य का वर्णन है, पृथ्वी का वर्णन है, किसी भी पदार्थ का वर्णन है, उसको इस तरह से उकेरा है कि उसके आधार पर कोई भी चित्रकार जो अच्छी समझ रखता है, सूझबूझ रखता है, वो एक अच्छा चित्र उपस्थित कर देता है। और ये ऋग्वेद के 5.80.5 में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जब मैंने यजुर्वेद के में इसके बारे में देखा,